अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जो लोग मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते हैं और मेरी वीडियोस लाइक कर रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आगे भी आप इसी तरह से मेरी वीडियोज़ को लाइक करें करें। जो लोग न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज जो मैं रेसिपी आपको सिखाने जा रही हूँ वो है वाइट चिकन पुलाव की। ये बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है जो बहुत झटपट बन जाती है। इसको आप अपने इफ्तार डिनर में शामिल करें, बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें डलते हैं। सबसे पहले यहाँ एक ब्लेंडर के अंदर मैं एक चम्मच सौंफ लूँगी। एक टेबल स्पून सौंफ है ये, एक टेबल स्पून साबुत धनिया है, 8 से 10 लहसुन के जवे हैं। इसमें लहसुन बहुत अच्छा लगता है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे। अदरक है मेरे पास 2-3 टुकड़े हैं मेरे पास 1 इंच के, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून होगा ये। और 8-10 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और इनको कट करके मैं इसके अंदर डाल दूँगी। फिर इसको हम पीस कर एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, मैंने ये 2 टेबल स्पून पानी मिलाकर इसका एक पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ एक पतीली के अंदर मैं 1/2 कप ऑयल गरम कर लूँगी। यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े लिए हैं मैंने, 2 बड़ी इलायची ली है मैंने, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च का लिया है, 6-7 हरी इलायची ली है और 6-7 लौंग ली है। ये पहले हम इसमें डाल देंगे, खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पे 3 प्याज मैंने मीडियम 3 प्याज लेकर उसको स्लाइस कर लिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब इस प्याज को हम थोड़ा गोल्डन कर लेंगे, हल्का गोल्डन करना है। अब ये प्याज को मैंने मीडियम फ्लेम पर देखें लाइट गोल्डन कर लिया है। इसको बिल्कुल भी ज़्यादा गोल्डन नहीं करना क्योंकि ये वाइट पुलाव है, तो प्याज ज़्यादा गोल्डन होगी तो फिर वो कलर चेंज हो जाएगा उसका। अब यहाँ मेरे पास 750 ग्राम चिकन है, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। अब थोड़ा सा इसको चलाकर, इतना हम चलाएंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब ये देखिए चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब मैं जो पेस्ट मैंने बनाया था वो इसमें डाल दूंगी। अब इसके साथ साथ हम इसको भूनेंगे और साथ में 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक भी डाल दूंगी। थोड़ा सा जब कलर चेंज हो जाएगा चिकन का, जब तक हम इसको भूनेंगे। अब ये चिकन हमारी देखें इसका कलर चेंज हो गया है, तो इस मौके पर अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। 1/2 कप पानी डालकर इसको कवर करके अब हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन गल जाए। जब ये चिकन हाफ डन हो जाए, ये देखिए, अब इसके अंदर हम 1 कप दही डाल देंगे और साथ ही 2 टमाटर स्लाइस है मेरे पास वो डाल देंगे। मीडियम साइज के टमाटर हैं ये, और ये 4-5 हरी मिर्चें मैंने आधी आधी कट करके, मोटी मोटी कट करके रखनी थी, ये डलेंगी इसमें। वाइट पेपर डलेगी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें पिसा गरम मसाला डलेगा। अब ये जो दही का पानी इसमें निकलेगा ये इसको हम ढककर कवर करके पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर भी गल जाए और फिर उसके बाद देखेंगे। अब ये देखिए हमने मीडियम लो हीट पर इसको इतना पकाया है 5 मिनट कि ये जो है इसका पानी खुश्क हो रहा है और टमाटर इसके गल गए हैं, चिकन भी अच्छी तरह गल गई है। अब हम इसको भूनेंगे, इसको हम तेज़ आँच पर इतना भूनेंगे कि इसमें से ऑयल ऊपर आ जाए। अब ये देखें मसाला भुन गया है और ऑयल ऊपर आ गया है। अब इस वक्त हम 1 किलो चावल भीगे हुए इसमें डाल देंगे। ये मैंने 1/2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिए थे सारे चावल। अब ये चावल डालने के बाद हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि चावलों से 1 इंच ऊपर आ जाए पानी, इसमें इतना पानी शामिल करेंगे, चावल से 1 इंच ऊपर पानी आ जाएगा। अब इसमें 1.5
टेबल स्पून सॉल्ट का मैं और ऐड कर दूंगी, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर दीजिएगा। थोड़ा सा इसको हम चला लेंगे और इसको कवर करके मीडियम आंच पर हम 5 मिनट के लिए पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। जब चावलों का पानी खुश्क हो जाए तो मैं इसमें 2 मीडियम प्याज को ब्राउन करके ऊपर से डाल दूंगी और साथ ही 2 टेबलस्पून देसी घी के भी डाल दूंगी। इससे बहुत ही अच्छी भीनी भीनी महक आती है और बहुत ही मज़े का पुलाव तैयार होगा। आप देखिएगा इसको ट्राई करके। अब ये मेरे पास केवड़े का वाटर है, केवड़ा वाटर 1 टेबलस्पून मैंने इसके सारी तरफ डाल देना है। अब ये 1 पिंच मैं जायफल का पाउडर डाल दूंगी, 1 पिंच जायफल पाउडर इसके अंदर डालकर एक कपड़े से इसको ढकेंगे और इसको कवर कर देंगे, नीचे तवा रखेंगे और इस तवे के ऊपर हम ये पतीली को रख देंगे और इसको 1 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। उस 1 मिनट के बाद हम इसको बिल्कुल लो हीट पर पकाएंगे और 10 मिनट के लिए अभी इसको हम दम पर रख रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, ये हमने इसको 10 मिनट के लिए लो हीट के ऊपर इसको दम पर रखा है, तो ये सारे चावल हमारे दम पर आ गए हैं। देखें कितने खिले खिले चावल हैं, इतने जबरदस्त से चावल और इसकी इतनी अच्छी महक आ रही है, पूरे किचन में मेरे पुलाव की महक भर गई है। बहुत ही जबरदस्त ये चावल बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इनको निकालते हैं। ये देखिए बहुत जबरदस्त चावल ये तैयार हो गए हैं हमारे। सो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये पुलाव की तरकीब कैसी लगी। शुक्रिया।